लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। लॉकडाउन के दूसरे दिन बिगड़े दिहाड़ी मजदूरों की हालात, रोजी और रोटी का संकट। यूपी के जनपद महाराजगंज में रोज दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की हालात बिगड़ सी गई है। लगातार कोरोना का कहर इन मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है। इन्हें ना काम मिल रहा है और ना ही इनके मेहनत कस हौसले का दाम, जिससे इनके आगे रोटी का संकट दो ही दिनों बाद खड़ा पहाड़ की तरह होता नजर आ रहा है। वैसे तो सरकार ने दावा किया था कि किसी को कोई समस्या नहीं होने दिया जाएगा। यूपी सरकार ने मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए देने का वादा किया था, तो कुछ के खातों में रुपए भेज भी दिए हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी मजदूरों के पास खाते हैं, और है तो यह दिहाड़ी मजदूर है, इसको तय करने वाला पैमाना क्या है। सरकार जिस दावे को कर रही है वह श्रम विभाग से पंजीकृत मजदूरों की बात कर रही है, पर उन मजदूरों का क्या जो कहीं पंजीकृत नहीं है। आखिर सरकार कागजों में मजदूर ढूंढेगी या फिर शून्य स्थल पर। देश के अंदर श्रम विभाग के द्वारा 20,37,000 जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, इन सभी श्रमिकों को हम लोगों ने तय किया है कि तात्कालिक रूप से भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये DBT के माध्यम से हम इनके अकाउंट में देने की सहमति प्रदेश सरकार ने दी है, जो पैसा हम लेबर सेस से उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। एक तरफ मजदूरी का संकट तो दूसरी तरफ रोटी दाल का संकट इन मजदूरों को मुसीबत में डाल दिया है। अभी ने समझ नहीं आता कि यह क्या करें और किससे शिकायत करें और किससे निवेदन करें। हालात और भी खराब होता जा रहा है, तो दूसरे तरफ जमाखोरी भी मुसीबत बनता जा रहा है। एक तो वाहनों के संचालन रोकने से खाद पदार्थों की आयात नहीं हो पा रही है, तो वहीं उनका लाभ जमाखोर उठा रहे हैं। और लगातार खाने पीने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं में अचानक वृद्धि होने से सभी दंग भी हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अभी यह हालात है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। फिलहाल हम दिहाड़ी पर या यूं कहें तो रोज कुआं खोद कर पानी पीने वाले मजदूरों की दर्द और व्यथा दिखाने और उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकारें इनके दर्द को समझेगी और इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करेंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, महाराजगंज के सक्सेना चौराहे पर, और आज हम बात करने यहाँ आए हैं दिहाड़ी मजदूरों से, क्योंकि जब से कोरोना वायरस निकला है तब से सबसे ज़्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि महाराजगंज में 8-10 किलोमीटर दूर से दिहाड़ी मजदूर आते हैं रोज डेली, यहाँ चौराहे पे इकट्ठा होते हैं और यहीं से लोग अपने घरों में लेकर जाते हैं इन्हें काम करवाने के लिए और दिहाड़ी इन्हें देते हैं। तो जब से यह कोरोना वायरस चला है तब से इनके दिनचर्या पे क्या संकट आया है, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? जब से यह कोरोना वायरस चला है और शहर में लॉकडाउन हो रहा है, तब से आपको क्या समस्या हो रही है? पैसे के लिए बहुत समस्या हो रहा है, खाने पीने के लिए, परिवार के लिए खाने पीने, एक दिन दिहाड़ी करते हैं, दो दिन तीन दिन घूम के जाते हैं। अच्छा जी, आइए हम और एक व्यक्ति हैं उनसे भी बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मनोगर। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, पर मधुरा आदमी है, काम कर जाते 30 रुपये पाते हैं, चाव दाल सब खरीदना पड़ता है। जब से कोरोना वायरस आया है हर चीज़ के लिए हम पर के लिए परेशानी हो जा रहा है, काम भी नहीं लग रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? नासी यादव जी। जब से शहर में लॉकडाउन हुआ है क्या समस्या है आपकी? यहाँ काम नहीं लग रहा है, आ रहे हैं घूम रहे हैं, और बच्चे खाने पीने के लिए मर रहे हैं, खेती बाड़ी कम है। हम लोग शासन प्रशासन या सरकार के तरफ से आपको कुछ रिलीफ मिल रहा है? क्योंकि आप लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली दिहाड़ी करते हैं, डेली दिहाड़ी करते हैं और कमाते खाते हैं, वही ले जाते हैं तो सब्जी आते हैं। जी क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार जी। आपके दिनचर्या पे क्या कुछ असर पड़ा है? सर जिस दिन से कोरोना वायरस चला है हम लोग के यानी मजदूरी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम लोग काम करने आते हैं, काम नहीं लग रहा है, और पुलिस वाले प्रशासन वाले बोलते हैं कि घर में रहो, तो बताइए इससे हमारा रोजी थोड़ी चलेगा, रोजी रोटी नहीं चलेगा ना। तो आपने देखा कि यहाँ दिहाड़ी मजदूरों के सामने कितनी बड़ी समस्या आन पड़ी है। इनका कहना है कि हमारा ध्यान कोई नहीं देने वाला है और शहर में लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से गुलाम गौस की रिपोर्ट।